तो भाई रोमन रेंज को तो उसोज ने बुला लिया है ट्राइबल कोर्ट में, अंदर भाई ब्रॉक लेसनर का आज हमें रिटर्न देखने को मिला, लेकिन भाई उनके ऊपर हो भी जाता है बहुत ही तगड़ा वाला अटैक। अंदर भाई जजमेंट डे का आज हमें रॉ में टीज देखने को मिला कि ब्रेकअप होने वाला जजमेंट डे का। तो भाई इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दिया क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग WWE से रिलेटेड वीडियो जाती रहती है। अंदर भाई हाँ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो भाई आज के मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हमें सेथ रॉलिंस के साथ देखने को मिलता है। अंदर भाई उन्हें कोडी रोड्स इंटरप्ट करने आते हैं, भाई कोडी रोड्स अभी कुछ बोलते हैं तभी ब्रॉक लेसनर की एंट्री देखने को मिल जाती है। और भाई ब्रॉक लेसनर को देखते ही कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन भाई ब्रॉक लेसनर भी कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करते हैं और भाई उन्हें रिंग मिले जाते हैं। लेकिन भाई ब्रॉक लेसनर जाते हैं कोडी रोड्स का एफआई लगाने, तभी भाई कोडी रोड्स का जाता है कोडी कटर और ब्रॉक लेसनर वहां से भाई निकल लेते हैं। और भाई ये सारी चीजें देख करके ब्रॉक लेसनर के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर ऐसे कभी भागते हुए नजर नहीं आए जिस तरह से आज भाई ब्रॉक लेसनर मूव को भी सेल किए। अंदर भाई वहां से निकल भी जाते हैं भाई कोडी रोड्स सुपर स्टार से ब्रॉक लेसनर डर गए इस टाइप का। अंदर भाई फिर हमें जजमेंट डे देखने को मिलती है जो कि सेथ फ्रिकन रॉलेंस को इंटरप्ट करती है क्योंकि भाई सेथ रॉलेंस ये सारी चीजें वहीं से देख रहे थे। भाई सेथ रॉलेंस को डोमिनिक मिस्ट्री आज चैलेंज करते हैं मैच के लिए और भाई मेन इवेंट के लिए डोमिनिक मिस्ट्री वर्सेस सेथ रॉलेंस का मैच भी सेटअप हो जाता है। और भाई सेगमेंट के बाद हमें देखने को मिलता है शिंसुके नाकामुरा वर्सेस डैमियन प्रिस्ट का मैच, जिसमें डैमियन प्रिस्ट शिंसुके नाकामुरा को आराम से हरा देते हैं। भाई ये मैच काफी अच्छा था। एंड देन भाई फिर नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है रोंडा राउजी एंड सेना वेस्लर का बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट। सेना वेस्लर भाई रोंडा राउजी को कहती है सब तूने जो कर रही है जो तू इतना आगे चली गई। ठीक इस प्रोमो के बाद ही रोंडा राउजी सेना वेस्लर के ऊपर अटैक कर देती है और भाई रोंडा राउजी का अटैक कुछ देर तक ही कायम रहता है क्योंकि भाई सेना वेस्लर फिर अपना रिटर्न करती है और भाई रोंडा राउजी के ऊपर सेना वेस्लर ने बेहतरीन से अटैक कर दिया और भाई रोंडा राउजी जो है वो अंदर ही रह जाते हैं और सेना वेस्लर चली जाते हैं। भाई रोंडा राउजी बुलाती है लड़ने के लिए लेकिन भाई सेना वेस्लर वहां से निकल जाती है। फिर हमें मैच देखने को मिलता है जो कि टर्मोराइल मैच था वुमेन्स कंटेंडर के लिए और भाई इस मैच में सोनिया डेवल और उनकी टीम की जीत हो जाती है और भाई जो कि आगे जाकर के चेल्सी ग्रीन एंड सोनिया डेवल फेस करने वाली है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए रकेल रोड्रिगस एंड लिव मॉर्गन को। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है जो कि स्टेटस ट्रिश स्टेटस एंड बैकी लिंच का भाई एक प्रोमो वार देखने को और भाई इस चीज को देख के पता चलता है कि बैकी लिंच वर्सेस ट्रिश स्टेटस का मैच आपको समर स्लैम में देखने को मिलेगा। अंदर भाई नेक्स्ट हमें देखने को मिलती है कि इंटरव्यू और जो कि कोडी रोड्स का इंटरव्यू लेती है और भाई इनको अनाउंस भी WWE करती है जो इंटरव्यू न्यू। अंदर भाई फिर नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है जो कि चैट केबल ओटिस फेस करते हैं बाइकिंग रेडर्स को और भाई ये मिक्स्ड टैग मैच होता है जिसमें चैट केबल ओटिस की जीत हो जाती है। अंदर भाई बाइकिंग रेडर्स इस मैच को हार जाती है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है भाई नटालिया वर्सेस रिया रिप्ली का मैच वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। अंदर भाई ये मैच शुरू होने से पहले ही भाई नटालिया अटैक कर देती है रिया रिप्ली के ऊपर, लेकिन भाई एट दी एंड रिया रिप्ली इस मैच को जीत जाती है और भाई नटालिया हार जाती है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच। एंड भाई नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है मैट रिडल वर्सेस इंपीरियम बंदे के बीच मैच और भाई उसमें ड्रू मैकइंटायर का रिटर्न हो जाता है क्योंकि भाई इंपीरियम जो है अटैक कर रही होती मैट रिडल के ऊपर मैच खत्म होने के बाद भी और भाई ड्रू मैकइंटायर आते हैं और भाई एक बहुत ही गजब सा क्लेमोर लगाते हैं। एंड देन भाई गुंथर को और ड्रू मैकइंटायर का हमें फेस ऑफ भी देखने को मिलता है। फिर हमें नेक्स्ट एक मैच देखने को मिलता है जो कि भाई पूरी तरह से मेन इवेंट था WWE रॉ का और भाई ये मैच कोई और नहीं डोमिनिक मिश्रा वर्सेस सेथ रॉलिंस का था। भाई ये मैच काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि भाई रिया रिप्ली इसमें बहुत ही गजब काम कर रही थी एंड डैमियन प्रिस्ट इस मैच में इन्वॉल्व हो जाते हैं और भाई डैमियन प्रिस्ट लगा देते हैं एक बहुत ही तगड़ा वाला सेथ रॉलिंस को चोक स्लैम और भाई मैच वहीं पे एंड होने वाला था। और भाई सेथ फ्रिकन रॉलिंस भी अपना फिर से एक बार वापसी करते हैं और भाई सेथ रॉलिंस के ऊपर आज कैसिन भी करने वाले थे डैमियन प्रिस्ट डोमिनिक मिस्ट्री बोलते हैं कैसिन करने के लिए, लेकिन भाई तभी फिन बैलर आते हैं और भाई फिन बैलर और टकरा जाते हैं डैमियन प्रिस्ट से और भाई ऐसा लग रहा है कि अब पूरी तरह से ब्रेकअप होने वाला है जजमेंट डे का। और भाई सेथ रॉलिंस एक बहुत ही बढ़िया सा पैडिग्री भी लगा देते हैं डोमिनिक मिस्ट्रियो को और भाई वहाँ से निकल जाते हैं और भाई हमें देखने को मिलता है कि बहुत ही तगड़ा वाला झिझक हो रहा था फिन बैलर एंड डैमियन प्रिस्ट के बीच। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाई WWE ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि रोमन रेंस आने वाले हैं ट्राइबल कोर्ट में द उसोज के साथ और भाई आपको एक सेगमेंट देखने को मिलेगा मैडिसन स्क्वायर गार्डन में जो कि स्मैकडाउन में रोमन रेंस एंड द उसोज के बीच जो कि ट्राइबल कोर्ट के नाम से होने वाला है। भाई आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग WWE से रिलेटेड वीडियो जाती रहती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बात धन्यवाद।